Hi students, myself Debodatta Sahu. So welcome to DS Economics channel. So आज हम डिस्कस करिबा SSB Economics रे जो 2018 मसिया क्वेश्चन थे, तो जो SSB 2018 मसिया जो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन थिला तो सेटा हम आज डिस्कस करूचे। तो 25 पर्यंत क्वेश्चन मु फर्स्ट वीडियो रे ऑलरेडी अपलोड कर दी छी, डिस्कस कर दी छी। तो जो माने देखिनो जाय कि सेटा देखि देबो, प्लेलिस्ट रे थिबो। आ जो माने चैनल को नुवा आछो सब्सक्राइब कर दियो, देले हम ऑलरेडी जहां भी किछि अपलोड करूछु पाई जाय परिबो, आ आराम से गोटे सिस्टमेटिकली ऑर्डर रे देखि परिबो एंड लर्न कर परिबो। तो चालन तो स्टार्ट करबा 26 क्वेश्चन। तो आज 26 क्वेश्चन कोछ कोन एन इकोनॉमिक variable that moves in the same direction as aggregate economic activity up in the expansion down in contraction is called। तो सेटा को कौन कहिबा, गोटे इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेटा माने अप इन द एक्सपेंशन टाइम रे ऊपर को जाउथिबो आउ कंट्रैक्शन टाइम रे डाउन तळ को आसेथिबो, सेटा को हमें कौन कहिबा, प्रोसाइक्लिकल काउंटर साइक्लिकल ए साइक्लिकल ए लीडिंग वेरिएबल। तो ऑप्शन अनुसार कौन राइट ऑप्शन हम कहो, तो यार राइट ऑप्शन, तो ये राइट ऑप्शन टा है कौन, प्रोसाइक्लिकल। प्रोसाइक्लिकल माने विथ द साइकिल, माने साइकिल सहित। ये कौन क्वेश्चन दे, एन इकोनॉमिक वेरिएबल दैट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो टाइप रो जीवो आउ ये भी सही टाइप रो जीवो, माने ये जितेबाला धर आम कहीपर प्रोसाइक्लिकल माने जदि इकोनॉमी ग्रो करुच्छे तेल सेल्स भी बढ़ो, इकोनॉमी डाउन होने सेल्स कम, तो सहीटा प्रोसाइक्लिकल। माने दुटा जाक माने डायरेक्ट रिलेसन रोटे बढ़ले इकोनॉमी ग्रो कले ये भी साइकिल भी सही रेट रे सही आड़ को जीवो, तो सेटा को प्रो साइक्लिकल कह तार जस्ट अपोजिट हो कौन ए साइक्लिकल। ए साइक्लिकल माने गोटे इकोनॉमी जदि ऊपर को जाऊ थो तो से जगह सेल्स टा कमी जाऊ थो, तो सेटा ए साइक्लिकल। आ काउंटर साइक्लिकल तो सेमती नहीं, डायरेक्ट लिंक नहीं, प्रो साइक्लिकल तार अपोजिट हो ए साइक्लिकल। प्रो साइकिल माने कौन, विथ द साइकिल, साइकिल जमी जाऊँ एन इकोनॉमिक वेरिएबल दैट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन रे गले ताकु कह प्रो साइक्लिकल, आउ ऑपोजिट डायरेक्शन रे गले ताकु कौन कह ना काउंटर सॉरी ए साइक्लिकल। तो मन रखिबो आउ एटा जेतु से देजी सेम डायरेक्शन ले जाऊँ ताले सेटा को कह प्रो साइक्लिकल। तो राइट ऑप्शन है 26 रो ए। तापर आम 27 क्वेश्चन को जीवा। 27 क्वेश्चन कौन जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउन एंड टू द लेफ्ट। तो कह द्वारा कौन हम एग्रीगेट डिमांड कर्वटा डाउन हम तल को आसीज एंड लेफ्ट माने पछक आसो लेफ्ट को आसो एग्रीगेट डिमांड कर्व कौन पर देखा ऑप्शन अच्छी, ए टेम्पोररी इनक्रीज इन द गवर्नमेंट परचेज, ए राइज इन नॉमिनल मनी सप्लाई, ए डिक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्सेस, ए डिक्रीज इन कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस। तो राइट ऑप्शन ये कौन हम से जहाँ ऑप्शन अनुसार से कहे फॉलोइंग चेंजेस शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउन एंड टू द लेफ्ट। तो डाउन एग्रीगेट डिमांड डाउन हम मैंने कौन एग्रीगेट डिमांड कमिजी, तो कम कौन पर मैंने आमर एग्रीगेट डिमांडा कम कौन पर आम कंजप्शन कम करवा, तो कंजप्शन कोई जगह कौन पर कम हम देख फास्ट ऑप्शन कौन दे टेम्पोरारी इनक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज, गवर्नमेंट परचेज टेम्पोरारी इनक्रीज हेले तो द्वारा तो इकोनॉमी ग्रो कर सेठी तो सहित लिंक ना। तापर राइज इन नॉमिनल मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ीगले, मनी सप्लाई बढ़ीगले कौन आम कंजप्शन अधिक करदे कि सेमती किसी डायरेक्ट लिंक रो ए डिक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स कमी गले, टैक्स कमी गले तो लोक मानक पाखरे टंका बढ़िबो से माने अधिक डिमांड करिवे। ए तीनटा जाक पॉजिटिव अच्छी से क्वेश्चन ले दीजिए एग्रीगेट डिमांड कर्वटा डाउन हम देख ये टेम्पोरारी इनक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज सारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ो, नॉमिनल मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ीगले तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ो, बढ़ले तो ऑब्वियसली हमें कहीपर कंजप्शन ने भी इफेक्ट पड़ो, कंजप्शन बढ़ीपे। तापर डिक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स कमी गले लोक मेरे अधिक टंका मैंने सेविंगटा अधिक हम देने अधिक डिमांड करेंगे, ये तीन टा जाक राइज हम कि एग्रीगेट डिमांड कमार कारण फोर्थ नंबर अच्छे देख ऑप्शन ले ए
डिक्रीज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कमी गले से कौन करिबो ना कंजप्शन कमेइ देबो। ए जगह डिक्रीज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गोटे गुड्स किणवे तार कॉन्फिडेंसटा ही नथिबो माने बाय करिया हुए तो तार लॉस हो जाए से कह एटा भलो न पड़ी पारे प्रोडक्टा। तो से जगह तार जदि कॉन्फिडेंस नथिबो ताले कॉन्फिडेंस डाउन हेले कंजप्शनटा डाउन हेबो। तो कंजप्शन डाउन हेले कौन हेबो एग्रीगेट डिमांड भी कमी जिवो। आउ एग्रीगेट डिमांड कर्वटा कौन हेबो लेफ्टवर्ड आसिबो। आमे जानिछे जो एग्रीगेट डिमांड कर्वटा एमती थाए ना आमर एग्रीगेट डिमांड कर्वटा आउ एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो ए डी आउ ए एस। तो एग्रीगेट डिमांड कर्वटा लेफ्टवर्ड माने पछक आसीजो बैक को आसीजो। तो कमी जिवो एग्रीगेट डिमांड कमी जिवो कहीं ना तार कॉन्फिडेंस रे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कमी जिवो तो ता द्वारा कंजप्शन कमी हो तो एग्रीगेट डिमांडटा पछक आसीजो। तो सेटा हबो तार राइट रीजन माने 27 लो डी हो जिवो राइट आंसर। तापर 28 ऑप्शन को जीवा 28 रे अछि जे ए सिचुएशन इन व्हिच एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी इज नॉन एज। से कह सिचुएशन इन व्हिच एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी इकोनॉमी रे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी रो किसी इफेक्ट पड़ब ना से माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन कह लिक्विडिटी ट्रैप ना डिप्रेशन ना कैपिटल फ्लाइट। तो जदि यार राइट ऑप्शन देखिबा से कहे कौन ए सिचुएशन इन व्हिच एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हेले ताद्वारा किसी भी माने इकोनॉमी ऊपर इफेक्ट पड़े। तो से सिचुएशन टाक कहा जाए कौन लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन माने लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन हो गला परे से जो इंटरेस्ट रेटा माने एमती है कि गोटे एमती डाउन हो कि मिनिमम गोटे 2% रेट को पलि आसो जहाद्वारा से ऊपर को जापरब ना। तो यहाँ लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन टाक कहा जाए तो मिनिमम गोटे आसीजो जे एटा काहीं हुए ना देख एटी से एक्सपेंशन इन मॉनेटरी पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो माने डाउन करुथिबो सेतोले जेते भी मॉनेटरी पॉलिसी आमर आरबीआई द्वारा माने एक्सपेंशन इन मॉनेटरी पॉलिसी कले भी लोक माने आउ बैंक रे टंका सेव करिवे नाही माने तांकर से माने देखले आमर प्रॉफिट होउनी फ्यूचर रे माने ये होबार पॉसिबिलिटीज रहूची लॉस होबार। तो से माने कौन करिवे ना टंका माने इन्वेस्टमेंट न करके इन्वेस्टमेंट कले आमे जानिचे कौन सेतिरो आमर रिटर्न आसे। तो ये जिते रिटर्नटा से कहे जदि माने रिटर्न उपरे तांकर किसी भरोसा रही जे अधिक मिल कि कौन हुए तो फ्यूचर लॉस हो जाए तो सेतेबले इकोनॉमी जो माने डाउन होते से आउ माने पैसाटा को कौन करेंगे ना इनभेस्ट करेंगे ना बा इंटरेस्ट पाइबापी से देखिए इंटरेस्टा माने बहुत कम मिलूँ। तो से जगह से निज पाखे लिक्विड कैश रखिए माने कैश इन हैंड बर पैसाटा निज पाखे रखिए कि खर्च करेंगे ना। तो से सिचुएशन टाक कह जाए लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन। तो ये इफेक्ट किसी पड़ोनी के ना जो लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन हम इकोनॉमी रे। तो 28 राइट ऑप्शन हो बी ऑप्शन। तापर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइज हो रही है इकोनॉमीटा आउतापर डिप्रेशन। तो आम जानी जो लोएस्ट स्टेजटा जोटी आमर कौन जो इन्वेस्टर विथड्रॉ मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट ड्यू टू वार टाइम होगा कि अदर टाइम से इन्वेस्टमेंट मैंने विथड्रॉ करने डिप्रेशन टाइम आउ कैपिटल फ्लाइट मैंने कौन ना इट इज ए आउटफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम ए कंट्री ड्यू टू नेगेटिव मॉनेटरी पॉलिसी सच एज आम करेंसी डिप्रेशन होगा मैंने जदि आम निज कंट्री कौन हो ना नेगेटिव मॉनेटरी पॉलिसीज लागू होते लोक मैंने कौन करेंगे इट इज ए आउटफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम ए कंट्री गोटे कंट्री रू कैपिटलटा आउटफ्लो हो रहा इंडिया सेमती हो मैंने डिप्रिसिएशन है तो सेठू मैंने आउटफ्लो हो पलब अदर कंट्री को कहीं से देखिए इंडिया एवं नेगेटिव मॉनेटरी पॉलिसी चली। तो कैपिटल आउटफ्लो हो गले कैपिटल फ्लाइट बोली कहो डिप्रेशन। तो जो टाइम लोक मैंने इन्वेस्टमेंट किसी करेंगे ना आउ लिक्विडिटी ट्रैप मैंने आम निज पाखे कैशटा को रखा। तो ये 28 राइट ऑप्शन हो बी। तापर 29 क्वेश्चन को आसवे 29 हूँ द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज डेस। आम ऑलरेडी मुझे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स रो एम सी क्यू सीरीज प्राक्टिस करी से क्वेश्चनटा थी गोटे डिस्कस आम करें सर्ट रन आउ लॉन्ग रन ले फिलिप्स कर्वटा केमी हम आम डिफरेंट क्लासिकल वाला मानने क्लासिकाल अनुसार कौन हुए ना क्लासिकाल वाला कहते फिलिप्स कर्वटा आमर ए टाइप रो डाउनवर्ड स्लोपिंग हम माने इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट आउ इन्फ्लेशन भितर जो ट्रेड ऑफ
सेटा फिलिप्स कर्व कह जाए ना, सेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग हबो आउ लॉन्ग रन ले सेटा वर्टिकल हबो, लॉन्ग रन ले वर्टिकल, शॉर्ट रन ले डाउनवर्ड स्लोपिंग, सेटा क्लासिकल वाला थिला। तापरे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वाले आसिले, न्यू क्लासिकल वाला कहिले शॉर्ट लॉन्ग बोथ रे आमर फिलिप्स कर्व टा कौन हबो वर्टिकल हबो। तो एटा डिफरेंट डिफरेंट व्यू थिला, तो एठी से देछि कहारी माने क्लासिकल कि न्यू क्लासिकल किसी मागिनि, खाली कहिछि द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। क्लासिकल वाला कर भी लॉन्ग रन रे कौन हुए वर्टिकल रहुतले, आउ न्यू क्लासिकल वाला भी लॉन्ग रन ले वर्टिकल बोली कहुतले फिलिप्स कर्व। किंतु मन रखिबो क्लासिकल वाला मानको पाखरे एडब्ल्यू फिलिप्स जो फिलिप्स कर्व देथिले सेटा शॉर्ट रन ले डाउनवर्ड स्लोपिंग माने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बा डाउनवर्ड स्लोपिंग हबो, लॉन्ग रन ले वर्टिकल, आउ न्यू क्लासिकल रे बोथ शॉर्ट आउ लॉन्ग रन ले वर्टिकल हबो आमर फिलिप्स कर्वटा। तो एठी जेतु लॉन्ग रन देछि तो लॉन्ग रन ले सेटा कोन हे जीवो आमर वर्टिकल हे जीवो। तो 28 रो 29 रो राइट ऑप्शन टा ए हे जीवो। तापरे 30 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, तो 30 नंबर क्वेश्चन रे कहूछि शू लेदर कॉस्ट, शू लेदर माने आमे शू लेदर रो नेम रो ही जानि परछे। शू लेदर माने कोन जो आमर शू रे जो लेदर लागे चमड़ा माने जोता, तो तार कॉस्ट माने कौन तुम्हें जो जितकी सैक्रिफाइस करुचो टाइम एफर्ट जहाँ भी दौच से गुड़िक हूँ तार कॉस्ट आउ कौन। तो ये ऑप्शन वन रे ही तार राइट ऑप्शन टा अच्छे कौन ना द कॉस्ट इन टाइम एंड एफर्ट इनकोड बाय पीपल एंड फार्म्स हु आर ट्राइंग टू मिनिमाइज देयर होल्डिंग्स ऑफ कैश बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये बुझेगा, तो द कॉस्ट इन टाइम एंड एफर्ट इनकोड बाय पीपल एंड फार्म्स हु आर ट्राइंग टू मिनिमाइज देयर होल्डिंग्स ऑफ कैश बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन टाइम रे से होल्डिंग्सटा को मिनिमाइज करने चाहिए, कहीं से जो कॉस्ट इन टाइम एंड एफर्ट तर जो टाइम देती किफर्ट देती इनकोड बाय पीपल, पीपल मैंने जो मैंने लोक मैंने एंड फार्म्स हु आर ट्राइंग टू मिनिमाइज देयर होल्डिंग्स ऑफ कैश बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन टाइम रे से जो पाखरे टंकाटा को रखापी चाहिए ना, कहीं इन्फ्लेशन आम जानचे प्राइस राइज हेले से टाइम रे कौन हम ना सब जिनस रेटा प्राइसटा अधिक हम। तो से जदि किणुंत कि इनभेस्ट कर लस हम ना, तो से मिनिमाइज करवाई जिते चेषा करेंगे मिनिमाइज देयर होल्डिंग ऑफ कैश बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कहीं इन्फ्लेशन टाइम आम टा रखिले किसी लाभ ना, मैंने आम टा रखिले कौन से आमको आगु जी कम टकर चली जाते एवं अधिक टाँचा दवापी पड़ो, तो मिनिमाइज करेंगे कैशटा को, तो सीटा को कहा जाए शू लेदर कॉस्ट। तो 30 रो राइट ऑप्शन हो जीवो, एटा ही राइट ऑप्शन अच्छी, अदर अच्छी जो गुड़ा ऑप्शन सहित रिलेटेड नुहे, तो 30 रो वन टा हो राइट ऑप्शन। 31 क्वेश्चन को जी, 31 क्वेश्चन कौन द अमाउंट ऑफ आउटपुट लॉस्ट व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज रिड्यूस्ड बाय 1% पॉइंट इज कॉल्ड, से कौन कह अकुंस लॉ, द सैक्रिफाइस रेशियो, द सोलो रेसिडुअल ना प्लैंक्स कांस्टेंट। तो कौन हम राइट ऑप्शन को एटी से देजी क्वेश्चन अनुसार जे 31 रे से ऑप्शन अनुसार यहाँ राइट ऑप्शन सैक्रिफाइस रेशियो, कहीं ना सैक्रिफाइस रेशियो रो तार मीनिंगटा कौन ना इट इज एन इकोनॉमिक मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ए कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन एंड आउटपुट। तो टोटल प्रोडक्शन आउटपुट उपरे इन्फ्लेशन रो कौन माने इफेक्ट टाको कहा जाए सैक्रिफाइस रेशियो। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन ले दीजिए कौन द अमाउंट ऑफ आउटपुट लॉस्ट व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज रिड्यूस्ड बाय 1%। तो इन्फ्लेशन रेट रे 1% रिड्यूस हेले जो आउटपुट रे लॉस्ट हेला जितकी अमाउंट, तो सीटा को कौन कह तार आउटपुट रे लॉस्ट इज माने कौन सी सैक्रिफाइस करी, तो सीटा को तार सैक्रिफाइस रेशियो कह इन्फ्लेशन रिड्यूस हो माने कौन प्राइसटा कमी जाइए, प्राइस कमीगले आउटपुट रे भी कहीं ना जो मैंने सप्लायर्स अच्छा से मैंने सब मोटिव थाए कौन आम लो ऑफ सप्लाई रे पड़ीचे जो प्राइस हायर हम से आमर से सप्लाईटा अधिक करेंगे। तो एटी तो इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाए मैंने प्राइसटा कमी जाए, प्राइस कमीगले से आउटपुट को भी कमेदेवे कहीं से देखिए आम कम दाम आमको बिकापी पड़ो, तो से जो आउटपुटा को लॉस्ट कले से रेशियोटा को कौन कहो सैक्रिफाइस रेशियो, कहीं सैक्रिफाइस रेशियो रे स्टडी करे इट इज द इकोनॉमिक मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ए कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन एंड आउटपुट। तो इन्फ्लेशन माने अधिक हेले केते अधिक आउटपुट आसुचे आउ इन्फ्लेशन कमिले केते कम आउटपुट हबो से दुटार रेशियोटा को कहा जाए सैक्रिफाइस रेशियो। तापरे
ଆଉ ଦିନ ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିଦେବା ଏଠି ଅକୁନ୍ସ ଲ ଅକୁନ୍ସ ଲଟା କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲସେସ୍ ଇନ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ତ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଲସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ରିଲେସନ୍କୁ ଅକୁନ୍ସ ଲ କୁହାଯାଏ ଅକୁନ୍ସ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଜଣେ ସେ ଏଇ ଲଟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଇନ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ତ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଥିବା ରେସିଓ ମାନେ ଲୋକ କାମ ନ ପାଇଲେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଅଧିକ ରହିବ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଉପରେ ବି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତ ଲେବର୍ ଦରକାର ନା ତ ଯେଉଁମାନେ ଲେବର୍ ମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏପଟେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସେପଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ବି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ ତ ସେଇଟା ଅକୁନ୍ସ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଥିଓରିରେ ତ ସେଇଟାକୁ ଅକୁନ୍ସ ଲ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ସୋଲୋ ରେସିଡ଼ୁଆଲ୍ ତ ସୋଲୋ ରେସିଡ଼ୁଆଲ୍ଟା କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନମ୍ବର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନମ୍ବର ଡେସ୍କ୍ରାଇବିଂ ଇମ୍ପେରିକାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ ଏ ଇକୋନୋମି ଫ୍ରମ୍ ଇୟର୍ ଟୁ ଇୟର୍ ଅର୍ ଡିକେଟ୍ ଟୁ ଡିକେଟ୍ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମେଜର୍ କରିବ ସୋଲୋ ରେସିଡ଼ୁଆଲ୍ରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବିଂ ଇମ୍ପେରିକାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ ଏ ଇକୋନୋମି ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିରେ କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ମାନେ ଇୟର୍ ଟୁ ଇୟର୍ ଆମେ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷରୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଛି ଇକୋନୋମି କିମ୍ବା ଡିକେଟ୍ ଟୁ ଡିକେଟ୍ ମାନେ 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ କେତେ ଗ୍ରୋ କଲା ସେ ଯେଉଁ ରେସିଓଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସୋଲୋ ରେସିଡ଼ୁଆଲ୍ ମାନେ ଆମର ସୋଲୋ ଦେଇଥିଲେ କନସେପ୍ଟଟା ତ ତାଙ୍କ ନେମ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇଟାକୁ ସୋଲୋ ରେସିଡ଼ୁଆଲ୍ କୁହାଯାଏ ସେ ଇକୋନୋମିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷରେ କେତେ ଗ୍ରୋ ହେଉଛି ସେଇ ରେସିଓଟା ସେ ମାନେ କନସେପ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୋଲୋ ନେମ୍ ଅନୁସାରେ ସୋଲୋ ରେସିଡ଼ୁଆଲ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ରେସିଓ ମାନେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ହେଲେ କେତେ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ କେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଉଛି ବା ଆଉଟପୁଟ୍ କେତେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ଅକୁନ୍ସ ଲ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ କେତେ ଲସ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ପ୍ଲାଙ୍କସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ପ୍ଲାଙ୍କସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସର କନସେପ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମେଜର୍ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ପ୍ଲାଙ୍କସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଏଇ ତିନିଟା ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଆମେ 32 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ତ 32 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ହଁ ଏ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଫରେନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଉଡ୍ କଜ୍ ଦ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଡେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଜ୍ ଦ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଇଏସ୍ କର୍ଭ ଟୁ ଡେସ୍ ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଫରେନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଫରେନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ତାପରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ଆଇଏସ୍ କର୍ଭ କ'ଣ ହେବ ରାଇଜ୍ ସିଫ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଫଲ୍ ସିଫ୍ଟ ଅପ୍ ନା ଫଲ୍ ସିଫ୍ଟ ଡାଉନ୍ ତାର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ କୁହ ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ କହୁଛି ଏ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଫରେନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଫରେନ୍ର ଆଉଟପୁଟ୍ ଯଦି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯିବ ମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କମିଯିବ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କମିଗଲେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଦେଖ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ରିଲେଟେଡ଼୍ ମାନେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଥ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ଆଉଟପୁଟ୍ କମୁଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କମୁଛି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କମ୍ ପାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନି ଇନକମ୍ କମ୍ ଆସିବ ମନି ଇନକମ୍ କମ୍ ଆସିଲେ ସେମାନେ କନଜପ୍ସନ୍ କମ୍ କରିବେ କନଜପ୍ସନ୍ କମ୍ କଲେ ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍ କରିବେ ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ତ ଡିମାଣ୍ଡ କମିବ ପୁଣି ଆମ ଦେଶରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅଧିକ କରିବେନି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ୍ କମ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କମ୍ ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ କମ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ଟା କମିଯାଉଛି ତ ଇନକମ୍ କମିଗଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ତ ଏକରେ ତ ଇକୋନୋମି ଡାଉନ୍ ଥିବ ପୁଣି ସେ ଆମ ଦେଶରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବେ କି କରିବେ ନାହିଁ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶରୁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା ବି କମିଯିବ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦେଶ ଅଲରେଡ଼ି ଇକୋନୋମି ଡାଉନ୍ରେ ଅଛି ତ ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କଲେ ତ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆମ ଦେଶରୁ ମାନେ ନେବେ ନା ତ ସେମାନେ ଏବେ ଡାଉନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସେଇଟା ବି ଆମ ଦେଶରୁ ସେମାନେ କମ୍ ନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ ଫଲ୍ ହେବ ଫଲ୍ ତ ରାଇଜ୍ ତ ହେବନି ଛାଡ଼ିଦେବ ଫଲ୍ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଫଲ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ସେ ଦେଇଛି ଯେ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନେକ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଫଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଜ୍ ଦ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଇଏସ୍ କର୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା ଫଲ୍ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଇଏସ୍ କର୍ଭ କ'ଣ ହେବ ଆଇଏସ୍ କର୍ଭ ବି ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଇଏସ୍ କର୍ଭ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ସିଫ୍ଟ ହେବ ଡାଉନ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଇଏସ୍ କର୍ଭ ଆଉ ଏଲ୍ଏମ୍ କର୍ଭ ଅଛି ତ ଆଇଏସ୍ କର୍ଭ ଯେଉଁଠି ଥିବ ନା ସେ ଡାଉନ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ହେବ ସିଫ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଯଦି କମିଯିବ ଆଇଏସ୍ କର୍ଭଟା ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିବ ତ ସେଠି ଆମର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ ସିଫ୍ଟ ଡାଉନ୍
ताले आम जानलु कौन कौन ना फास्ट ऑप्शन है जो फॉल आम एक्सपोर्ट कमी जीव आउ आई स्कोर भी तल को आसीज शिफ्ट डाउन हो तो 32 रो राइट ऑप्शन है जो डी। तापरे 33 क्वेश्चन को आसवा 33 क्वेश्चन होची हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ आम जानचे हाई पावर्ड मनी बा एच सेटा कहाँ कहाँ को नहीं कि गठित बैंक रिजर्व प्लस करेन्सी हेल्ड विद नॉन बैंक पब्लिक ना बैंक रिजर्व माइनस वॉल्ट कैश ना ऑल डिपॉजिट्स एट द फेड माने फेडरेशन आउ डिपॉजिट्स एट द फेडरेशन प्लस वॉल्ट कैश तो राइट ऑप्शन कौन हम एटी गोटे आमर तार फॉर्मूला अच्छे कौन हाई पावर्ड मनी एच कैपिटल एच लिखा जाए हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू कौन सी प्लस आर आम जानचे सी प्लस आर ताले सी होची कौन करेन्सी हेल्ड विथ पब्लिक आउ आरटा होची कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक तो करेन्सी हेल्ड विथ पब्लिक पाखे जी कैश अच्छे आउ आरटा होची माने कौन कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक पाखे जी कैश रिजर्व रही कौन ऑप्शन को देखिए कहो एटी बैंक रिजर्व प्लस करेन्सी हेल्ड विथ नॉन बैंक पब्लिक बैंक रिजर्व माइनस वॉल्ट एगुड़ा तो हमें तो फास्ट ऑप्शनटा ही ठीक अच्छे बैंक रिजर्व मैंने बैंक रिजर्व कमर्शियल बैंक्स जहाँ रहा प्लस करेन्सी हेल्ड बाय द नॉन बैंक पब्लिक मैंने करेन्सी हेल्ड बाय पब्लिक आम कहीपर आओ मैंने बैंक बैंकिंग नुहे आओ यहाँ बैंक रिजर्व मैंने कौन कमर्शियल बैंक रिजर्व आउ आमर पब्लिक कैश रिजर्व माने विथ पब्लिक पब्लिक मानक पाखे जितकी टंका आउ कमर्शियल बैंक रे टंका दुटा मिसले हाई पावर्ड मनी तो 33 रो राइट ऑप्शन हो जीवो ए। तापरे 34 क्वेश्चन को आसवा 34 क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छी जे पब्लिक गुड इज डेस पब्लिक गुडटा कौन हम आम जानसे पब्लिक गुड आ प्राइवेट गुड मुझे अलरेडी आम जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रे अलरेडी डिस्कस कर सारी एमसीक्यू आम जो प्राक्टिस करूले से पब्लिक गुड आ प्राइवेट गुड रार कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल्स डिस्कस करी तो पब्लिक गुड रेन दुटा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ना नॉन अराइवल ये देख नॉन अराइवल अच्छे आउ नॉन एक्सक्लूडेबल दुटा तो नॉन राइवल मैंने तो सेटा ही हम आ कौन तो मैंने राइवल नुहे जड़े जनकर शत्रु नुहे दु जन जाक एट ए टाइम यूज करेंगे गोटे पब्लिक गुड मैंने नेशनल हाईवे हो गला नेशनल मैंने पार्क हो गला गवर्नमेंट रे जहाँ भी किसी तो सेटा को समस्ते सांगरे यूज करेंगे आउ कहीं क्या एक्सक्लूड करेंगे ना आउ कहीं कह राइवल भी हे ना मैंने जड़े व्यवहार कले सरीज सेमती नुहे समस्ते एट ए टाइम व्यवहार करेंगे तो ये ऑप्शन रे फास्ट अच्छे ए गुड दैट द पब्लिक मस्ट पे टू कंज्यूम तो लोक मानक टंका देवाई पड़ो कंज्यूम करने से तो पब्लिक गुड हमें सेटा प्राइवेट होपर नॉन राइवल इन कंजप्शन सेटा ही पब्लिक गुड नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल तापर कॉस्टलियर देन प्राइवेट गुड प्राइवेट गुड ठारू पब्लिकटा कॉस्टलियर हम कि हाँ पब्लिक गुडटा तो ताठू सस्ता हम कम हम प्राइवेट गुडटा अधिक दाम हम तो यहाँ हम तापर पेड बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर पेड कर सेटा तो हमने तेल यही राइट ऑप्शन हम आ 34 रो बी हो राइट ऑप्शन। तापर 35 क्वेश्चन को आसवा तो 35 क्वेश्चन रे कौन ए पिगोभियन सब्सिडी तो पिगोर सब्सिडी केत मोब्स प्रोडक्शन टू सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट इज ए काइंड ऑफ पिगोवियन टैक्स ना डज नॉट एक्जिस्ट विथ एक्सटर्नालिटीज ना इज गिवन टू कंज्यूमर ऑफ सोलार पैनल ओनली तो कौन हम राइट ऑप्शन आम जानचे टैक्स आउ सब्सिडी दी प्रकार अच्छे तो पिगोवियन जो आम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स आसी तो पिगो केत कौले सब्सिडी दबा दरकार जोबले गोटे पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट करथबो जेकोणसी जिनस जोटा कि आम मानने एनवायरमेंट पई गोटे पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट करथबो सेतोले आमे तांकु सब्सिडी दबा माने तांकु आहुरी छाड़ करबा जहा द्वारा सेमाने आहुरी से सब काम करि परिबे जेमतिकि आमर विभिन्न प्रकार माने जो सोलार एनर्जी हेगला कि अदर सोर्स जहाँ भी किसी सेमाने एनवायरमेंट को पल्यूट करू नथिबे एनवायरमेंट रे आहुरी भल पहुँचुथिबे जो मैंने धर फ्री रे प्लांटेशन करोथिबे तांकु आमे सब्सिडी दबा जेमती सेमाने अधिक लोक पाखरे पहुँची पारे ये सब जिनस तो से कौन कहे ना फास्ट ऑप्शनटा अच्छे कौन मूव्स प्रोडक्शन टू सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट तो प्रोडक्शनटा को से मूव करइबो पिगोवियन सब्सिडी से जो सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पर्यंत सब्सिडीटा देले ताद्वारा से सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पर्यंत जाई परिबो माने से आगरु कम आउटपुट से माने कौन करथिबो प्रोडक्शन होथिबो एबे से अधिक से सब जिनस करिबो जहाद्वारा कि माने सब्सिडी देले से सोशली ऑप्टिमम लेवल पर्यंत जाई परिबो।
आउ एठी से एटा भी गोटे पार्ट किंतु एठी से दे दीजिए ओनली ओनली हबनी से दे दीजिए कौन ए ऑप्शन ले देखो ए इज गिवन टू कंज्यूमर्स ऑफ सोलार पैनल ओनली केवल सोलार पैनल जो मैंने बसईबे ही आम सब्सिडी दबा सेमती तो किसी माने ना केवल जो मैंने सोलार पैनल लगे सब्सिडी दबा आउ जी जहाँ कम करनभरमेंट दिजो ना सेमती नुह तो ये जदि ओनली न था आम भाई था आउ अदर किसी अप्सन नाटा होता कि ओनली अच्छे तो ओनली केवल तो दिजोन तो ये जो मैंने कि सोशियाली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पर्यंत जापर नए सब्सिडी दबा द्वारा से पर्यटन पहुँची पारे आउ अदर अप्सन देख कौन देती इज ए कैंड ऑफ पिगोवियन टैक्स सब्सिडीटा टैक्स कि टैक्स नुहे तो टैक्स हेले तो पेनाल्टी लागू हम ना अधिक चार्जेस पड़ो सब्सिडी मैंने छाड़ धर तर गोटे प्रडक्शन 100 टाँग खर्च होती छाड़ करके 80 टाँग लगे से आपर डज नट एक्जिस्ट विज एक्सेनाल्टी से नुहे तो राइट ऑप्शन 35 ए होपर 36 क्वेश्चन को आसवा 36 क्वेश्चन अच्छे फिस्काल डेफिसीट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी फिस्काल डेफिसीट्रु इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कले कौन हम रेवेन्यू डेफिसीट कैपिटल डेफिसीट फिस्काल डेफिसीट प्राइमरी डेफिसिट तो कहो आम जब ऑप्शन को दिबा एटा ताले कौन हो फिस्काल डेफिसिट रु इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करदे हो जाए प्राइमरी डेफिसिट मन रख फिस्काल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट एटा डायरेक्ट क्वेश्चन प्राय तो ये फॉर्मूला रूज तो गोटे सियोर क्वेश्चन आसे तो 36 रो राइट ऑप्शन हो डी आगुड़ा तो जानी थो समस्ते रेवेन्यू डेफिसिट मैंने कौन टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट मैंने के टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट के एक्सपेंडिचर रिसीप्ट को माइनस करदेला जहाँ रोटा हो रेवेन्यू डेफिसिट आउ कैपिटल डेफिसिट मैंने कैपिटल आमर अभाव रोज मैंने आमर गवर्नमेंट टोटल लायबिलिटीज ग्रेटर देन टोटल एसेट जदि तार लायबिलिटीज अधिक रही गवर्नमेंट रो एसेट कमी ताले से कौन कह कैपिटल डेफिसिट तो कहीं एसेटा जिते बढ़द्वारा कैपिटल आरो सरप्लस हम आसेट कमीगले कैपिटल डेफिसिट हम मैंने लायबिलिटीजा अधिक रो आसेटा कमीगले कैपिटल डेफिसिट हम आ फिस्काल डेफिसिट जाच फिस्काल डेफिसिट हो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग बोरोइंग को एक्सक्लूड से बोरोइंगटा ता दिहरे एड हुए फिस्काल डेफिसिट रे तो सेटा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट हेले सेटा फिस्काल डेफिसिट कहिबा आ प्राइमरी डेफिसिट तो आम जानचे कौन फिस्काल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट आउ तो ये चार्टा मन रखिए भल से जहाँ जहाँ कनसेप्ट रहा 36 रहा राइट ऑप्शन डी हो 37 क्वेश्चन रे देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पेग्ड ईस्ट 2019 फिस्काल डेफिसिट टारगेट 2019 अनुसार फिस्काल डेफिसिट रो टारगेट के रखी थे से 3.3% थिला तो यहाँ 2019 रो डाटा अनुसार देजी एबे तो तुम 2023 चली तो जदि रिसेंट डाटा पचारदे कि 2022 रो डाटा पचारे तो मन रख 2022 रे फिस्काल डेफिसिट रो टारगेट 2022 रे आमर के 6.4% 6.4% आ 2023 रे टारगेट रखा जाए फिस्काल डेफिसिट रो से 5.9% हूँ आम 2023 अनुसार आउ 2019 तो मुझे कहली 3.3 2019 जेहेतु यहाँ आम 2023 तो रिसेंट डाटा ही पचार 23 पचारिपे कि 22 तो 22 ही गले 6.4 हम 23 5.9 मन रखे हाँ तापर नेक्स्ट हूँ 38 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन कौन अच्छा तो यहाँ वैगनर्स लॉ कैन बी टेस्टेड यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप तो वैगनर्स लॉ ले कोटा स्टडी करे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा जीडीपी जोटा बा इन्फ्लेशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू मनी सप्लाई तो राइट ऑप्शन कौन हम वैगनर्स लॉ अनुसार राइट ऑप्शन को तो ये जदि देखा आम राइट ऑप्शनटा होमर बी माने वैगनर कहते कौन ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने जीडीपी सहित आम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचरटा डायरेक्ट रिलेशन माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़िले आमर कौन जीडीपीटा बढ़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिते इनक्रीज कर व्वेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज राइज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज कर जहाद्वारा आम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी भी कौन कर राइज कर तो सीटा आमर कही किए आम वैगनर वैगनर
କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବଢ଼ିବ ତାଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ବଢ଼ିବ। ତ 38ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ବି। ତାପରେ 39 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। 39 କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଚଏସେସ୍ ଡଜ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଦାଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲିଟି ବେଟର। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁ ଥିଓରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲିଟି ବେଟର୍, ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ଟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲିଟିକୁ ବେଟର୍ ଡିଲ୍ କରିପାରିବ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ନହେଲେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ଟା ଭଲସେ ଡିଲ୍ କରିଦେବ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲିଟିକୁ। ତ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲ ଅଫ୍ ଡିମିନିସିଂ ସୋସିଆଲ ରିଟର୍ନ୍ସ, କସ୍ ଥିଓରମ୍, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ପଲିସି। ତ ଏଇଟା ବି ସେଇ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସହିତ କେଉଁଟା ରିଲେଟେଡ୍, ଆଉ ତ ଏ ତିନିଟା ତ ନାହିଁ, କେବଳ କେଉଁଟା ଅଛି, କସ୍ ଥିଓରମ୍। ତ କସ୍ ଥିଓରମ୍ରେ ସେଠି ଆମର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ଥାଆନ୍ତି ନା, ତ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେଜର୍ କରୁ କସ୍ ଥିଓରମ୍ରେ, ଯେ ଓନରସିପ୍ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରହିଥିବ ଯଦି, ମାନେ ଏ ଆଉ ବି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟି, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଓନରସିପ୍ ରାଇଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ତା'ର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କଲା ତାହେଲେ ତା ବଦଳରେ ତାକୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ତ କସ୍ ଥିଓରମ୍ଟାରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲିଟି ବେଟର୍ କସ୍ ଥିଓରମ୍। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି କ'ଣ, ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, କ୍ଲାସିକାଲ ଯେଉଁ ଜେ ବି ସେ ଅଦର ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ଇଏ ମାନେ ଥିଲେ, ଆଡ଼ାମ୍ ସ୍ମିଥ୍, ସେମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଏ ଦୁଇଟାକୁ ସେମାନେ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମାର୍କେଟ୍ ଇକୋନୋମି ମାନେ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏକୁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେବ, ଆଉ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଦ ଲ ଅଫ୍ ଡିମିନିସିଂ ସୋସିଆଲ ରିଟର୍ନ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଲ ଅଫ୍ ଡିମିନିସିଂ କେମିତି ସୋସିଆଲ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ପଲିସି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲିଟି ସହିତ ଆମର କସ୍ ଥିଓରମ୍ କେବଳ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। 39ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ସି। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। 40 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍, ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍ ଏସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ରାଇଡ଼ିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ସେଟ୍ ଟୁ ବି ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍। ତ ଏଇଟା ସେଇ ପବ୍ଲିକ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ଆସିଛି, ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ରାଇଡ଼ିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ସେଟ୍ ଟୁ ବି ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍। କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନା ବେନିଫିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ୟୁର୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଡୋଣ୍ଟ ପେ, ନା ଲୁଜର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ୟୁର୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ନା ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ କଷ୍ଟ ଏକ୍ସିଡ୍ ବେନିଫିଟ୍। ତ ଆମର ସେ ଏ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କହୁଛି ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ, ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ଼୍ସ ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍ ଦେଖାଯାଏ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲିଟି ଥିଲେ ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍ ଦେଖାଯାଏ, କିମ୍ବା ଆମର ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍ ଲାଇକ୍ ମୋନୋପୋଲି ମାର୍କେଟ୍ ରହିଲେ ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲି, ମୋନୋପୋଲି ମାର୍କେଟ୍ ରହିଲେ ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍ ରହିବ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲିଟି ରହିଲେ ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍ ରହିବ, ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ଼୍ସ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍ ରହିବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ଼୍ସ, ଏଇ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ଼୍ସର ଅପସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ବି ଅପସନ୍ରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ଼୍ର ଅପସନ୍ ଅଛି ନା। ଦେଖ ବେନିଫିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ୟୁର୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଡୋଣ୍ଟ ପେ, ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଥିବେ ସେମାନେ ପେ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୁଡ଼୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ଼୍ ମାନେ ଧର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏନ୍ଏଚ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ବିଜୁ ପକ୍କା ଯୋଜନା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ କ'ଣ ସେଇମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପେ କରୁଛନ୍ତି କି, ସେମାନେ ତ ପେ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ବି କିଛି ପଲିସି ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଠି ମାର୍କେଟ୍ ଫେଲିଅର୍ ଏସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ରାଇଡ଼ିଂ, ଫ୍ରି ରାଇଡ଼ିଂ ମାନେ ଫ୍ରିରେ ସେମାନେ ରାଇଡ଼୍ କରିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କ୍ୟାନ୍ ବି ସେଟ୍ ଟୁ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ୟୁର୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଡୋଣ୍ଟ ପେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଦର ତ ଅପସନ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ, ଲୁଜର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଲେ ବି ହେଇଗଲା, 40ର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତାପରେ 41 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। 41 କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 3 ଇୟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ GDP ରେସିଓ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍।
ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଇୟର୍ ତ ଦେଇନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେଇଥିଲା 2018 ମସିହାରେ, ତ ଲାଷ୍ଟ 3 ଇୟର୍ସ ମାନେ ସିଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ 3 ବର୍ଷ ପଛକୁ, ମାନେ 17, 16, 15 ମସିହା ଲାଷ୍ଟ ସେଇ 15, 16, 17 ମସିହା ଭିତରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ GDP ରେସିଓଟା କେତେ ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଏପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ଆମେ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେଇ 10-20 ଭିତରେ ରେଞ୍ଜ, ମାନେ ସେଇ 13-14 ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ 10-21 ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ସେଇଟା, ଆଉ 3 ବର୍ଷର ଆଉ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତ ଡାଟା ତ ମାନେ ସେମିତି ଏପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ଡାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେଇଟା 10-21 ଭିତରେ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ବଟ୍ ଏମିତି ମାନେ ଏପ୍ରୋକ୍ସ ବାଲେ ଆସେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେ କେତେ ରହିଛି ସେଇଟା ହିଁ ସେଇ ଇୟର୍ର ଆସେ। ତ ଏଇଟା ସେ 41ର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ଆଉ ତା'ପରେ 42, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଣି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଥ୍ ମାନେ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ, କନୁପ୍ରିୟାଜ୍ ଇନକମ୍ ଇଜ୍ 50,000 ଆଣ୍ଡ ହାର୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇବିଲିଟିଜ୍ ଇଜ୍ 6,000। ମାନେ ସେ 50,000 ଇନକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇବିଲିଟିଜ୍ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତା'ପରେ ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦରେ ତା'ର କଟିଯାଉଛି 6,000। ତାହେଲେ ଦଶ ହାର୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ରେଟ୍, ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ଇଜ୍ 8%, ଏଭରେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ଇଜ୍ 8%, ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ଇଜ୍ 12% ନା ଏଭରେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ଇଜ୍ 12%। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଭରେଜ୍ଟାକୁ ଏଠି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା, କାହିଁକିନା ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକି ଇନକମ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ଏତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ ଇନ୍ଟୁ 100 କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଏଭରେଜ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଭରେଜ୍ରେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ 8% ଆଉ ଗୋଟେ 12%, ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ହେଉଛି, ତ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଯେ କନୁପ୍ରାଇଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ ଅଛି କେତେ 50,000, ତାହେଲେ କନୁପ୍ରାଇଜ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇବିଲିଟିଜ୍ କେତେ 6,000, ମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦରେ ସେ ଦେଉଛି 6,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଭରେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ଆମେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ନା ଏଭରେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ୍ ଇନକମ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100। ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେତେ ଦେଉଛି, 6,000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି, ତ 6,000 ହେଇଗଲା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ୍ ଇନକମ୍, କେତେ ଟଙ୍କାର ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ୍ ଇନକମ୍ ଅଛି, ମାନେ ତା'ର ଇନକମ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ୍ ଇନକମ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି 50,000। ତ 6,000 ବାଇ 50,000 ଇଣ୍ଟୁ 100, କାହିଁକିନା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିବ, ତ ଇଣ୍ଟୁ 100 ମାନେ ଏଠି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ 3 0 3 0 କଟିଯିବ, 6 50, ଏଠି 100 ରହିଲା, 50 × 2 = 100, ତାହେଲେ 2 × 6 = କେତେ 12, 6 × 2 = 12 ହେଇଗଲା 12%। ତ 12% ଆମର ଏଭରେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ଆସିଲା। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଠି ଏଭରେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଥିଲା କେତେ 8 ଥିଲା, 12 ଥିଲା, ତ 12 ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ। ତ ଦେଖ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଏଭରେଜ୍, ହଁ ଏଠି ଏଭରେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ 12%, ଏଇଟା ଆମର ଡି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି, ଏଭରେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ଟା 12%, ତ ଏଇଟା 42ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ ଡି, କାରଣ ଏଇଟା ଏଭରେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ଟା 12% ଅଛି। ଆଉ ତା'ପରେ 43 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା, 43ରେ ଦେଇଛି ଯେ ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଜର ଟୁ ଜଜ୍ ହାଉ ମଚ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଇଜ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏଭରେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍, ଟୋଟାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟେଡ଼। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ସେ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଠି ଦୁଇଟାରୁ କ'ଣ ହେବ, ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ କିମ୍ବା ଏଭରେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ତ ବର୍ଡ଼ନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟେଡ଼, ସେ ଦୁଇଟା ତ ଅପସନ୍ରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କଟିଯାଉଛି। ତ ବେଷ୍ଟ ଆମେ ମେଜର୍ଟାକୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ଦେଖିବ, ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ହେବ ନା ଏଭରେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ହେବ। ତ ସେ ଦେଉଛି ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଜର୍ ଟୁ ଜଜ୍ ହାଉ ମଚ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ସ ଇଜ୍, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍, କାହିଁକିନା ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଏଭଳିଆ ଅଛି, ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ବୋଲି କହୁ, କାହିଁକିନା ଯାହାର ଯେତିକି ମାର୍ଜିନାଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ରହିଛି ସିଏ ସେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବ। ତ ଆଉ ଅଦର ଟାଇପ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ହୋଇଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ନା ସେ ଜାଗାରେ ମାର୍ଜିନାଲି ଆମେ ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ଧର ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ GST ଲାଗୁ ହେଲା, GST ଲାଗୁ ହୋଇଗଲେ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ରିଚ୍ ହଉ ପୁଅର ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ତ ଏକା ଦେଉଛନ୍ତି। ତମେ ଧର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜିନିଷ ଆଣିଲ, ତମେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଉଛ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ବି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେବ, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ବି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେବ, ସମସ୍ତେ ସେମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍, ତିନି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି। ତ
तो जो प्रोपोर्शनल टैक्स रे से जगह रे हमरो मार्जिनल माने तांकरो मार्जिनल एफिशिएंसी अनुसार किए केते टंका अछि से अनुसार जे केते देई परिबो से अनुसार कैलकुलेशन करा जाए तो सेटा को हमरो मार्जिनल टैक्स रेट टाकु सेति पई हमरो बेस्ट मेजर बोली कहा जाए तो हमरो राइट ऑप्शन डा हिजबो 43 रो ए हिजबो राइट ऑप्शन मार्जिनल टैक्स रेट। तापरे 44 क्वेश्चन को आसीबा। अच्छा 44 रे ए जो एगुड़ा सब देसी कौन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू टैक्स रिजिम इन इंडिया। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन हम ये जो टैक्स लागू होता सब से तार क्रोनोलॉजी माने सिस्टमेटिकली किए प्रथम आसला सेटा मेनभाट मडभाट सेनभाट जीएसटी ना ये सब ऑप्शन चार्टा देसी। तो आम तार टे फुल फॉर्म जानदे जेठी फास्ट ये जो कौन अच्छे मेनभाट मडभाट सेनभाट जीएसटी। तो जीएसटी तो समस्ते जानते कौन गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो मेन पार्ट हूँ मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड टैक्स एम ए एन हूँ मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड टैक्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड टैक्स जोटा कि आम आसी 1978 रे मन रखे यहाँ आसा 1978 आम राइट ऑप्शन एटा ही अच्छी ठीक अच्छे यहाँ सीरीयली से आम मेन भाट हूँ मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड टैक्स जोटा कि 1978 आसा। तापर मडभाट एम ओ डी भी ए टी मैंने मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स एम ओ डी हूँ मॉडिफाइड तार फुल फॉर्मटा हूँ मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सटा आसला 1986 रे प्रथम आसला मेनभाट जोटा कि मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड टैक्स 1978 मडभाट मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स 1986 सेनभाट आसला माने सेंट्रल सीईएन हूँ सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। तो सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स आसला 2004 आसला सेनभाट आउ तापरे लास्ट रे आसला जीएसटी जोटा रिसेंटली आसी 2017 माने फर्स्ट जुलाई 2017 तो 17 आसला जीएसटी। तो क्रोनोलॉजी अनुसार क्रोनोलॉजी जो मैंने मन रखिबो माने फर्स्ट रू लास्ट माने फर्स्ट किए आसला तापरे किए एमती क्रोनोलॉजी अनुसार। तो फर्स्ट आसला मेनभाट 1978 मडभाट 1986 सेनभाट हूँ 2004 जीएसटी आसला 2017। तो यहाँ हो गला तार क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी अनुसार क्रोनोलॉजी आ तार फुल फॉर्म मन रखे भल से। तो 44 राइट ऑप्शन हो जीवो ए। तापर आम 45 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 45 क्वेश्चन कौन कौन लाफर कर्व डिपिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कौन क्या क्या भितर थोड़ा रिलेशन को लाफर कर्व कहुए टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टैक्स रेट एंड जीडीपी टैक्स रेट एंड फिस्कल डेफिसिट सेविंग एंड इनकम। तो 45 रो राइट ऑप्शन कौन हम आम जानी जो लाफर कर्वटा केमती है जो एमती है मैं ये टाइप रही थो टैक्स मैंने गवर्नमेंट रेवेन्यू और टैक्स रेट एपटे गवर्नमेंट रेवेन्यू एपटे तार टैक्स रेटा निया थो तो गवर्नमेंट रेवेन्यू और टैक्स रेटा माने आम कहीपर से 0 to 100% जाइ थिबो मैक्सिमम मिनिमम 0 मैक्सिमम 100। तो से कहते माने टैक्स रेट टाक जदि आम 0 करदे कि 100 करदे आमर किसी रेवेन्यू कैलकुलेट हेनी कहीं ये 0 जगह भी टैक्स रेट आमर के आस 0 आस कहीं रेवेन्यू किसी आसू कि 0 आसू आई जो 100 भी करदे भी से जगह भी आमर टोटाल रेवेन्यू किसी हेनी देख ये रेवेन्यू 0 आस। तो जितेबाला सीटा 0 रु अधिक आउ 100 रु कम यही भितर मैंने 0 रु अधिक जितक भी आम रेवेन्यू टैक्स रेट आउ रेवेन्यू एमती बढ़ी बढ़ी जीवो आपटु जिते बढ़ेबा माने टैक्स रेट टाकु जिते बढ़ेबा से द्वारा कौन हम रेवेन्यू से कम कलेक्ट हम कहीं लोक मैंने टैक्स देवे ना जिते अधिक आम करदे टैक्स कम रही बर अधिक लोक टैक्स दे पारे जहाद्वारा आम कलेक्शन टैक्सटार कलेक्शन आसपार आम अधिक पूरा 100% करदेव मैंने जो 100 टाँग इनकम 100 टाँग टैक्स दबे से मोर दवा दरकार ना था तो सी दब ना। तो 100 टाँगार गोटे टाँगा टैक्स है कि गोटे मैंने 10 पैसा टैक्स है कि 5 पैसा टैक्स है जड़े दवापी सक्षम हो पार 100 टाँगार 100 टाँगा टैक्स करदे कि दब कि दबने तो कि 0 टैक्स करदे तो गवर्नमेंटर किसी रेवेन्यू ही आसवनी। तो सीटा आमर कौटी अच्छे ऑप्शन रे देख फर्स्ट ऑप्शन अच्छी जे टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो कलेक्ट करुच्छे तार टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू दुटा भितर जो कम्बिनेसन टाक आम लाफर कर्व डेपिट करे कहीं लाफर ये कनसेप्टा दे तो नेम अनुसार लाफर कर्व जाक कहुए
तो सेटा राइट ऑप्शन हो 45। तापर 46 क्वेश्चन को आसवा 46 क्वेश्चन ए स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व रेफर्स टू पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्वटा स्ट्रेट लाइन होता कांस्टेंट इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग ना वेरिएबल आम जाने जो स्ट्रेट लाइन माने कौन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्वटा एमती है कि से ये टाइप पूरा स्ट्रेट लाइन थी आउ तापरे इंक्रीजिंग माने से कनकेव ये टाइप रो डिक्रीजिंग माने से कौन ना एमती कनभेक्स आउ वेरिएबल तो छाड़ दियो चेंज हो तो ये से कहे स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन फंक्शनटा कौन हम कांस्टेंट कॉस्ट हम कहीं स्ट्रेट लाइन देख ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पीपीसीटा ये भाया स्ट्रेट लाइन रही कांस्टेंट कॉस्ट कहो आउ इनक्रीजिंग के जोटा सी एमती कनकेव थी कनकेव थी इनक्रीजिंग फंक्शन कहो पीपीसीटा कनकेव थी जेनेली पीपीसी कर्वटा एमती कनकेव थाए इनक्रीजिंग कॉस्ट आउ डिक्रीजिंग कॉस्ट केतटा एमती मानने डिक्रीज हेले ए टाइप कनभेक्स थे तो कांस्टेंट कर्व रे कांस्टेंट एमआरएस कांस्टेंट तार स्लोप कांस्टेंट कॉस्ट रतले इनक्रीजिंग कॉस्ट रे कौन हम एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टा इनक्रीज हम तापर से पॉजिटिव स्लोप कॉस्ट भी राइज कर लास्ट थ्रीटे आमर कौन हो कनभेक्स कनभेक्स कर्व रे एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टा भी डिक्रीज कर नेगेटिव स्लोप कॉस्ट भी से जगह कम रोटे सब तीन टा जाक इनक्रीज होटे कांस्टेंट रोचे एटारे डिक्रीज हो मन रखे आओ तो 46 रो राइट ऑप्शन हो कांस्टेंट कॉस्ट 46 रो ए हो गला राइट ऑप्शन तापर 47 क्वेश्चन को आसवा 47 होची विथ ट्रेड स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन इज लाइकली टू बी तो ट्रेड रे स्पेशलाइजेशन हेले सेटारे कौन तार इंपैक्ट पड़ो स्पेशलाइजेशन जदि माने जड़े स्पेशलाइज हो गोटे प्रोडक्ट रे माने धर दीज एक्सपोर्ट दीज भर ट्रेड हो माने जड़े क्लॉथ तैयारी कर जड़े सी तरह राइस माने राइस कि ह्विट जहाँ भी प्रोडक्शन करे जो थे स्पेशलाइज हो जिनसटा को कम माने कम खर्च अधिक माने या तो सीटा को कौन कह देखा फास्ट हूँ कंप्लीट विथ इनक्रीजिंग कॉस्ट एंड इनकम्प्लीट विथ कांस्टेंट कॉस्ट सेटा तो हबनी तापर आ गोटे सेकेंड ऑप्शन रे जे कंप्लीट विथ कांस्टेंट कॉस्ट एंड इनकम्प्लीट विथ इनक्रीजिंग कॉस्ट ना कंप्लीट विथ कांस्टेंट एंड इनक्रीजिंग कॉस्ट इनकम्प्लीट विथ कांस्टेंट एंड इनक्रीजिंग कॉस्ट तो ये आम देखा राइट ऑप्शन टा ये कौन हम ना कंप्लीट विथ कांस्टेंट कॉस्ट एंड इनकम्प्लीट विथ इनक्रीजिंग कॉस्ट या मैंने कौन से कहे जितेबाला स्पेशलाइज जड़े हम मैंने क्वेश्चन कौन देखिए विथ ट्रेड स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन इज लाइकली टू बी तो स्पेशलाइजेशन हवा द्वारा कौन हम मैंने कंप्लीट विथ कांस्टेंट कॉस्ट हो गले सेटा कंप्लीट हबो आ जितेबाला इनकम्प्लीट विथ इनक्रीजिंग कॉस्ट जनकर जदि कॉस्टटा इनक्रीज हो जाऊ खर्च बढ़ू थे से स्पेशलाइज हो कहींपर ना कहीं जिते पर्यटन तार खर्च बढ़ू थे से स्पेशलाइज आम कहींपर नहीं स्पेशलाइज केतेबाला हम ना जितेबाला सी जाणीदेला जे मोर यही जिनस मो पाखे ये र मटेरियल अच्छी एतिक लेबर अच्छा तो लगे कि मुझे कम खर्च में गोटे कांस्टेंट खर्चटा मुझे गोटे मिनिमाल खर्च में अधिक माने आउटपुट दे पारिबी तो सेटा को कहा जिवो स्पेशलाइज माने कम खर्च रे से जमती अधिक आउटपुट दे पारुथबो तो सेटा जतेबेले जने स्पेशलाइज हि जिवो तार कॉस्टटा कोन हि जिवो कांस्टेंट रहइबो कॉस्ट आउ खर्चटा बढ़िबो नाही से सेम खर्च रे से आउटपुटा को प्रोड्यूस करि पारिबो आउ इनकम्प्लीट माने कंप्लीट हैनी बोले आमे केमती जानिबा ना जतेबेले कॉस्टटा बढ़ुथिबो माने से जते आउटपुट बढ़ुथिबो कॉस्ट जदि बढ़ुची ताले आमे जानिबा कि सेतिरे तार माने स्पेशलाइज से पाई नाही कने स्पेशलाइज हे बोले से जानि नबो टेक्निक से अनुसार से अल्प माने खर्च रे अधिक आउटपुट दे पारथबो तो सेटा ही तार राइट ऑप्शन हे जिवो माने एटा जो स्पेशलाइज क्वेश्चनटा देछि ना से तो विथ ट्रेड स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन इज लाइकली टू बी 47 रो राइट ऑप्शन डा इज वो बी कंप्लीट विथ कांस्टेंट कॉस्ट एंड इनकम्प्लीट विथ इनक्रीजिंग कॉस्ट रे इनकम्प्लीट रहइबो आ कांस्टेंट कॉस्ट हे गले खर्च आ न बढ़िले से जगह रे आमे कहिबा जे से स्पेशलाइज हे गला बोले तो यार राइट ऑप्शन डा इज वो बी कहिना आमे जानि जे अंडर कांस्टेंट
ऑस्ट्रिया बोथ नेशन स्पेशलाइज कम्प्लीटली इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन व्हिच दे आर कंपेरेटिवली एडवांटेज जे जो माने प्रोडक्ट एडवांटेज थिबे से सही गुड्स को स्पेशलाइज हो जाए एंड सही गुड्स को से एक्सपोर्ट करिवो तापरे अंडर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रे कौन हम ना इंक्रीजिंग कॉस्ट रे कौन हम ना बोथ नेशन हैव इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स तो दुटा गुड्स दुटा कंट्री भितर जदि ट्रेड करा हो दिजन जाकर इनक्रीजिंग कॉस्ट होने स्पेशलाइज हो आम जाना इनकम्प्लीट अच्छी तो इनकम्प्लीट विथ इनक्रीजिंग कॉस्ट तो यहाँ हो रहा राइट ऑप्शन बी ही 48 क्वेश्चन को आसवा 48 क्वेश्चन रे अच्छा गोटे ऑप्शन अच्छे छाड़ देखीद ऑप्शन तो ये 48 क्वेश्चन हो इमर्सराइजिंग ग्रोथ इज मोस्ट लाइकली इन द इन ए कंट्री इफ इट्स तो इमर्सराइजिंग ग्रोथ थियोरीटा किए देते आमर जगदीश भगवती तो कौ इयर रे ना 1958 जगदीश भगवती इमर्सराइजिंग ग्रोथ थियोरीटा देते तो द्वारा ये ऑप्शन में देखा कौन कौन अच्छी ग्रोथ इज कंसर्नड इन इट्स एक्सपोर्ट सेक्टर ना ग्रोथ इज कंसंट्रेटेड इन इट्स इंपोर्ट सेक्टर ना ग्रोथ इज बैलेंस एक्रॉस द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ना ग्रोथ इज कंसंट्रेटेड इन द गुड्स विथ हाई वर्ल्ड डिमांड इलास्टिसिटी तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन हम इमर्सराइजिंग ग्रोथ थ्योरी रे जगदीश भगवती कहते जे ग्रोथ इज कंसंट्रेटेड इन इट्स एक्सपोर्ट सेक्टर राइट हो रहा एक्सपोर्ट सेक्टर माने एक्सपोर्ट सेक्टर रे से कंसंट्रेट करते के माने एक्सपोर्ट सी करुच्छे कंट्री कहीं जगदीश भगवती कनसेप्ट कनसेप्टा कौन थी ना इज व्वेर इकोनोमिक ग्रोथ कुड रेजल्ट इन ए कंट्री बींग वर्स ऑफ देन बिफोर द ग्रोथ तो ग्रोथ बिफोर द ग्रोथ माने ग्रोथ पूर्वर से वर्सअप थी ग्रोथ पर मानने ग्रोथ रे आम जानवा केमती कंट्रीज रे जिते से एक्सपोर्ट अधिक करुच्छे माने कंट्री ग्रो करुच्छे आउ इंपोर्ट अधिक कले कौन तार तो लॉस हे ना कहीं इंपोर्ट अधिक कले तो सी निज देश तैयारी तो इंपोर्ट करुच्छे ताद्वारा निजर मानने कौन ये भी लॉस हे कहीं पुणी रिटर्न मानने टाटा देवाई पड़ो तो इंपोर्ट है आमर अधिक लॉस हे आम जिते एक्सपोर्ट करते आम इकोनोमी ग्रो कर जापर तो ग्रोथटा एक्सपोर्ट सेक्टर को लेकिन देखा जीवो। तो सेमें जगदीश भगवती कनसनट्रेट करते एक्सपोर्ट सेक्टर को लेकिन तो आम 48 राइट ऑप्शन हो तापर 49 क्वेश्चन रे हूँ द अपर कर्व ऑफ ए नेशन बल्जेस और बेंड्स टुवर्ड्स द एक्सिस दैट मेजर इट्स एक्सपोर्ट गुड्स इंपोर्ट गुड्स इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड्स ना नॉन ट्रेडेड गुड्स तो ये से कहते जो आम ऑफर कर्व अच्छे सेटा मानने को आड़ को बेंड हुए आम जानी जो ऑफर कर्व शेपटा टाइप थाए ना ऑफर कर्वटा तो सेटा मानने टुवर्ड्स द एक्सिस दैट मेजर कौन करे ना एक्सपोर्ट गुड्स को ये राइट ऑप्शन हो एक्सपोर्ट गुड्स द ऑफर कर्व ऑफ नेशन बेंड्स टुवर्ड्स द एक्सिस दैट मेजर इट्स एक्सपोर्ट गुड्स द एक्सपोर्ट गुड्स जो पटे थी से आड़ को से बेंड हुए तो मेजर करे एक्सपोर्ट गुड्स के राइट ऑप्शन टा ऑफर कर्व हो एक्सपोर्ट गुड 49 ए हो राइट ऑप्शन तापर 50 क्वेश्चन को जीवा तो 50 क्वेश्चन मुझे भाभी आज टी अधिक क्वेश्चन करी किंतु टाइम तो कहीं ये आमर 2018 क्वेश्चन गुड़ा टिके कौन कहल कन्सेप्चुआल बेसिक कन्सेप्ट मानने क्वेश्चन गुड़ा देते तो ताको सॉल्व करिया करने टिके टाइम टेकिंग आम 2021 चार्टा पार्ट्रे कवर हो जाए तो यहाँ टी अधिक किसी ना आम डिटेल्स डिस्कस कर टाइम जहाँ हो तो आज 50 पर्यंत करवा नेक्स्ट क्लास आम 51 रु डिस्कस करवा तो आज लास्ट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करदे क्वेश्चन हूँ कौन ना इन ए स्पेसीफिक फैक्टर मॉडल और फ्रेमवर्क दैट आइडिया ऑफ डच डिजीज मीन्स तो से क्वेश्चन दे डच डिजीज रो मानेटा कौन ए बूम इन वन सेक्टर डिक्रीज वेजेस क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट
A boom in one sector increase wages, lowering profit in some other sector. A boom in one sector decrease wages, raising profit in some other sector. Nay, boom in one sector destroy other sectors. तो सब गुड़ा related concept अच्छी किंतु टिके टिके slightly difference अच्छी. आउ डॉज डिजीज रे भी सही कथा ही कही थे डॉज डिजीज रे मैंने डॉज डिजीज रो आम जो कनसेप्ट देखा तार डॉज डिजीज रो मीनिंगटा कौन ना द टर्म डॉज डिजीज वाज कॉइंड आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ द नेदरलैंड्स इन द 1960 एंड 70 1960-70 परे नेदरलैंड रे घटना कॉइंड है डिस्कवरी ऑफ नेशनल गैस रिजर्व नेदरलैंड रे जितेबले माने कौन नेचुरल रिसोर्सेस मिलिला गैस माने नेचुरल गैस मिलिला रिजर्व इन द नेदरलैंड लीड टू ए सिग्निफिकेंट इनफ्लक्स ऑफ रेवेन्यू व्हिच कॉज्ड द डच गाइडर टू एप्रिसीएट एंड नेगेटिवली इंपैक्ट अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी तो यहाँ तो डच रो जो मैंने मैंने रिसर्च करते से मैंने बाहर कले उद्भावन कले कौन ना आम देश में बहुत सारा कौन रही ना नेचुरल रिसोर्सेस नेचुरल गैस रिजर्व होद्वारा से मैंने जा सारापर से कंट्री तो डेभलप कला किंतु ता सहित मानने आखपाख जो पड़ोसी देश मैंने से मूर से कौन कला ना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा इकोनॉमी उपरे कहीं ऑब्वियसली समस्ते जदि गोटे पोजिशन थे जनकर धर आम इंडिया एवं नेचुरल रिसोर्सेस जीक अच्छे आम गोटे जगह धर एम खोल खोल आस गए मानने कौन सुना खणी गोटे बाहर किंवा हीरा जो जगह गच्छित अच्छे आम जान नु से गोटे हीरा खणी बाहर तेल आम इकोनोमी के ग्रो कराद्वारा कौन हम तार नेगेटिव इंपैक्ट अगर पड़ज कहीं आम देश सब टॉप मोस्ट को चली जीव तो आम सबुरी आगे जावा तो से जो जिनसा तो सीटा डच डिजिटल कॉन्सेप्ट जे गोटे इकोनॉमी ग्रो कले अन्य मानक उपरे तार नेगेटिव इंपैक्ट पड़ो तो ये देखिबा कौन से फास्ट ऑप्शन दीजिए ए बूम इन वन सेक्टर डिक्रीजेस वेजेस क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट तो गोटे सेक्टर इनक्रीज हेले अन्य उपरे अनएम्प्लॉयमेंट तो ये सेक्टर कथा देनी गोटे इकोनॉमी कथा दे जबरे गोटे कंट्री रो तो फास्ट ऑप्शन तो हबनी सेकंड रे अछि ए बूम इन वन सेक्टर इनक्रीजेस वेजेस लोअरिंग प्रॉफिट इन सम अदर सेक्टर एटा हि परबो तार राइट ऑप्शन से कहछि ए बूम इन वन सेक्टर गोटे सेक्टर रे जदि इनक्रीज हेला वेजेस लोअरिंग प्रॉफिट इन सम अदर सेक्टर अन्य सेक्टर रे तार प्रॉफिट रे कौन है जीवो लोअर है जीवो गोटे सेक्टर देख से कहते गोटे सेक्टर रे वेजेस जो इनक्रीज हम वेज बढ़ले आमर अदर सेक्टर रे जो प्रॉफिट आसूला से अदर सेक्टर प्रॉफिटा लोअरिंग प्रॉफिट इन सम अदर सेक्टर प्रॉफिट कम हो कहीं ये जो वेजेस बढ़ला धर ये आम बूम इन वन सेक्टर इनक्रीजेस वेजेस वेजेस बढ़ले अदर सेक्टर रे जो मैंने मैंने अदर सेक्टर जो प्रॉफिट आसूला से लोक मैंने तो सेठ अदर सेक्टर को शिफ्ट होबानी से सेक्टर में रही तो वेजेस बढ़ला ताद्वारा अदर सेक्टर में जो लोक मैंने काम करने जाते से जगह काम करने जीवे ना से इकोनोमी डाउन होदर सेक्टर इकोनॉमी डाउन होती अदर सेक्टर प्रोडक्शन भी कमी तार डिमांड कमी जहाद्वारा अदर सेक्टर डाउन हो गोटे सेक्टर बढ़िले से ही सेक्टर लोक मैंने अधिक वेजेस पाइले से जगह काम करेंगे तो से सेक्टर टा पर्टिकुलर से सेक्टर टा को ग्रो कर अदर सेक्टर डाउन हो तो राइट ऑप्शन हो आउ सी डी भी सी टाइप ऑप्शन अच्छी किंतु राइट ऑप्शन सी डी हेनी आम बीटा हूँ एप्रोप्रिएट मैंने एक्जाक्ट जदि आम सब देखा ऑप्शन अनुसार बीटा हम मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर तो बी हो राइट ऑप्शन 50 तो आम ये आज 25 क्वेश्चन डिस्कस करदे 51 क्वेश्चन आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करवा आउ जदि जो मैंने आज फास्ट वीडियो को देखु तेल मैंने कौन आम ऑलरेडी प्ले लिस्ट रे वीडियो अच्छी डिटेल्स रे आम डिस्कस कर सारी 2021 क्वेश्चन सेटा भी देख 2018 एमती चलो आहरी जितेटा पार्ट हम आम कम्प्लीट करवा 165 क्वेश्चन तापर 2016 क्वेश्चन अच्छी ताको भी ट्राई करी ताको भी कम्प्लीट करदेपाई दे कम्प्लीट होमर प्रिवियस इयर क्वेश्चन आउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ भी सब्जेक्ट व्वज रहा से आम डिस्कस करूचे तो अपडेट रुह जहाँ भी किसी ट्राए कर सब दिन मैंने इवनिंग रे अपलोड करिया करने वीडियो सब दिन 6 संध्या 6 वीडियो आसीज तो आराम से सब दिन 6 देखिपर कि देखिपर किसी प्रॉब्लम नहीं आ मैंने कंटिन्यू देखो
କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ କମିଯାଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମିତି କଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଛ ଭଲସେ ମାନେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଦେଖ, ଦେଲେ ନିଜର ବି ହେଲ୍ପ ହେବ, ମାନେ ତୁମେ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ତାପରେ ଦେଖିଲ ନାହିଁ, ସେମିତି କଲେ ବି ମାନେ ନିଜକୁ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ତାହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲେଙ୍ଗଦି ହେଉଛି, ଭାବୁଛ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଟାକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ ଅଛି ସ୍ପିଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଦେବ, ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ଟା ଆମର ଯଦି ୱାନ୍ ରେସିଓ ଥାଏ 1.5 କରିଦେବ କିମ୍ବା 1.25 କରିଦେବ, ଦେଲେ ଟିକିଏ ସ୍ପିଡ଼ ହୋଇଯିବ ଆଉ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସରିଯିବ। ସେମିତି ହେଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍ପିଡ଼ଲି ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଯିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ବି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରାମସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ, ତ ସ୍ପିଡ଼ଟାକୁ ବି ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ଯେମିତି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ନଲେଜ୍ ତୁମେ ଗେନ୍ କରିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।